जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे थाने में हूँ और यहाँ मैं एक स्पेशल जगह पे आई हूँ जहाँ पे आपको मिसल बहुत ही स्पेशल मिलता है। मिसल जो है बहुत ही कॉमन है, महाराष्ट्र स्नैक है, लेकिन मुझे ये देखना है कि उनके मिसल में क्या खास है। बारे में इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ ये देखने के लिए कि उनका मिसल किस तरह से स्पेशल है या क्या चीज उनके मिसल को बहुत अलग करता है। तो मैं ही नहीं, मैं आपको भी दिखाऊंगी कि उनके मिसल किस तरह से अलग है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी थाली आ चुकी है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इसको टेस्ट करने के लिए। बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, बहुत यूनिक थाली है ये। जनरली आपको मिसल और पाव मिलता है, लेकिन यहाँ मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 अलग से कटोरी है, प्लस आपको यहाँ पे मिलता है छाछ। उसके साथ में यहाँ पे आप देखोगे कि मिसल का जो मिक्सचर होता है उसके ऊपर इन्होंने चीज़ डाला हुआ है। यहाँ पे ये बहुत ही क्यूट सी बकेट है, ये आप देखो यहाँ पे, और ये बकेट मुझे बहुत ही क्यूट लगी। इसके अंदर आप देख सकते हो कि इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मिसल, और मिसल को एक्चुअली इस तरह से खाया जाता है, और उसके साथ में मिलता है ये पाव। तो मैं शुरू करती हूँ बिना देर किए, एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा टेस्ट करने के लिए फटाफट, तो शुरू करते हैं। खास चीज़ इसमें ये भी है कि ये सर्व करते हैं गुलाब जामुन। एक मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि जो मिसल है, कई लोगों को तीखा पसंद आता है, कई लोगों को नॉर्मल मीडियम पसंद आता है। तो जैसे मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती हूँ, अगर आप भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि वो कम तीखा बनाए। खाती हूँ कि ये है प्याज और लेमन जो आप उसके ऊपर स्क्वीज करेंगे, और ये स्प्राउट्स भी सर्व होता है जो कि मैंने किसी भी जगह पे देखा नहीं, आपको अलग से स्प्राउट्स की थाली में आपको इंक्लूड किया गया है। ये है बूंदी, ड्राई बूंदी आप देख सकते हो, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है मिसल का। और मैंने आपको ये तो दिखा दिया है कि इसके साथ में आपको स्वीट डिश में 2 गुलाब जामुन है, ये दही है, और मैं आपको बताऊँगी कि ये किस तरह से टेस्ट करता है। इसको हम इसमें सर्व करेंगे, पूरी बकेट ही डाल लेती हूँ मैं, आप इसको ऐसे डालो पूरी बकेट और मिक्स करो इनको। इसमें आप तो जो चाहिए आप डाल सकते हो, अगर आपको ऐड करना है तो आप वो भी डाल सकते हो, थोड़ी सी बूंदी डाल सकते हो। और इसके ऊपर मैं डालूँगी ये प्याज, प्याज तो चाहिए भाई, इसके बिना नहीं चलता। और ये लेमन स्क्वीज करो इसके ऊपर, जो बहुत ही एक अलग टैंगी सा टेस्ट देगा, तीखा मीठा खट्टा आपको टेस्ट आएगा इसमें। और इसको ऐसे आप अच्छे से मिला लो ताकि चीज़ उसमें मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हो कि कितना चीज़ी लग रहा है मेरा मिसल। शुरू कर रही हूँ इस पाव के साथ में, और पाव काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है इनका, ये काफ़ी चीज़ी है आप देख सकते हो, ये पूरा चीज़ के साथ में इन्होंने सर्व किया है। तो ये मैं ऐसे डालूँगी और इसको टेस्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुपर चीज़ी है, अगर आप चीज़ के फैन हो तो मार्तंड इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। कहीं पे भी आपको गारंटी है कि जो मिसल पाव है वो चीज़ के साथ में सर्व नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मैं बहुत जगह पे गई हूँ, चीज़ के साथ में
मेरा एक्चुअली पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, तो आप अपने बच्चों के साथ भी आके यहाँ पे ये ट्राई कर सकते हो। एक और बाइट लूँगी मैं इसका, काफ़ी टेस्टी है। जैसे नाम सुना था, जैसे इनके मिसल के बारे में सुना था, ये बिल्कुल वैसी है। देख सकते हो, क्लोजअप दिखाती हूँ मैं इसका आपको कि कितना ज़्यादा लजीज ये लग रहा है। सुपर टेस्टी दिख नहीं रहा, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप भी आके यहाँ पे ट्राई कर सकते हो जिस तरह से मैंने किया। बेस्ट टेस्ट है इनका, और आप खाओगे तो रुकोगे नहीं। बहुत सारी वैरायटी है, वो इसको बहुत ही थाली को स्पेशल बनाते हैं। ये इनकी मार्टन की स्पेशल थाली है, चीज़ वाली। अगर आपको चीज़ के साथ में चाहिए है, तो आप चीज़ के साथ ऑर्डर कर सकते हो, जो ऑप्शन आपको सिर्फ मार्टन में मिलता है। दूसरी स्पेशलिटी इनकी ये है कि ये यहाँ पे गुलाब जामुन भी आपकी थाली में सर्व करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक एडिशनल फीचर है इनका। कि अगर आप फीका खा रहे हो, उसके बाद में आप यहाँ का मीठा भी ट्राई कर सकते हो। टेस्टी है गुलाब जामुन। ये है दही। दही तो मैं नहीं खाऊंगी, मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हो गया, तो मुझे दही खा के मेरा टेस्ट खराब नहीं करना है, इतना टेस्टी है। सोचो ये है छाछ। तीखा का कॉम्बिनेशन अगर आप कर रहे हो, तो मीठा और छाछ तो बनता ही है। बहुत ही सुपर टेस्टी है। इसके अंदर भी इन्होंने ऐसे बूंदी डाली है, जो कि बहुत ही पसंद है मुझे और बहुत ही पसंद आया। हर एक चीज़ इनकी बहुत ख़ास है। रेकमेंड करूँगी कि अगर आपको मिसल खानी है, या आप किसी और स्टेट से मुंबई में आए हैं, थाने में रुके हैं या कहीं और रुके हैं, तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि थाने के मार्टन मिसल को आप बिल्कुल मिस नहीं करें। मिसल के लिए बहुत ही स्पेशल प्लेस है। इतनी सारी वैरायटीज़ के साथ में थाली सर्व होती है। पूरी थाली जो है, इसका कॉस्ट है 129 ओनली। स्वीट के साथ, छाछ के साथ, ये वाला फुल बकेट और दो पाव। आप चाहें तो एक्स्ट्रा पाव भी मंगा सकते हो, बट ये इतना कुछ है यहाँ पे। एक आदमी बहुत पेट भर के 129 रुपीज़ में खा सकता है। ये स्पेशल थाली है जो आपको चीज़ के साथ में आती है, वरना अगर आपको चीज़ नहीं चाहिए तो आपके पास दूसरे ऑप्शन भी है। आप विदाउट चीज़ वाले इनकी नॉर्मल थाली मंगा सकते हो। मुझे स्पेशल थाली ट्राई करनी थी, इंक्लूड्स चीज़, जो चीज़ के साथ में सर्व हुई है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई और ऐसी जगह पता है जहाँ पे मिसल सर्व होता है, या आप बता सकते हो कि इससे भी अच्छी मिसल कहीं और मिल सकती है, तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं वहाँ पे आके वहाँ के भी मिसल का रिव्यू ले सकती हूँ। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अगर आप इस आउटलेट में, मार्टन मिसल में अगर आप आए जो थाने में है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा था। अगर आप नहीं आए हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ पे आइए, नहीं तो आप मिसल का टेस्ट रियली में मिस कर रहे हैं। सी यू विथ नेक्स्ट रेस्टोरेंट एंड विथ अनदर रिव्यू।